हेलो गाइस, आज हम आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं चिकन दम बिरयानी। ये बिरयानी बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही कम मसालों में बनके तैयार हुई है। ये बहुत ही आसान तरीका है बिरयानी बनाने का। चलिए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम चिकन को 2-3 पानी से अच्छी तरह से धो लेंगे। धोने के बाद चिकन को हम चलनी में पानी निथरने के लिए रख देंगे। चिकन को मैरिनेट करेंगे। 2 मीडियम साइज की प्याज को चॉप करके डालेंगे। 2 चम्मच इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। 2 चम्मच इसमें हम गरम मसाला डालेंगे। ये घर का पिसा हुआ गरम मसाला है, बिरयानी मसाला। अब इसमें हम आधा कटोरी दही डालेंगे। ये दही खट्टा दही है। आधा चम्मच इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे। 2 चम्मच इसमें हम धनिया पाउडर डालेंगे। 1 चम्मच इसमें हम लाल मिर्ची का पाउडर डालेंगे। स्वाद अनुसार इसमें हम नमक डालेंगे। अब इसमें हम 2 चम्मच इसमें हम एवरेस्ट का चिकन बिरयानी मसाला भी मिलाएंगे। 5-6 हरी मिर्ची डाल देंगे। पौधने के पत्ती और धनिया पत्ती डालेंगे। 1 इसमें हम नींबू का जूस डालेंगे। अब इसमें हम तेल डालेंगे। ये वो तेल है जिसमें हमने प्याज फ्राई करी थी। ये वीडियो आपको हम नहीं दिखा पाए। अब इसे हम अच्छे से मैरिनेट करेंगे ताकि चिकन में मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब इसे हम 1 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख देंगे। आपके पास ज़्यादा टाइम है तो ज़्यादा रख सकते हो। अब हम चावल को उबाल लेंगे। अब पानी में हम थोड़े से खड़े गर्म मसाले डाल देंगे। स्वाद अनुसार इसमें हम नमक डाल देंगे। 1 नींबू का जूस डालेंगे जिससे हमारी बिरयानी खिली खिली बनेंगी। अब पानी के फलने का हम इंतज़ार करेंगे। अब पानी में उबाल आ गया है। अब हम चावल डाल देंगे। ये वही चावल है जो हम घर में रोज़ बनाते हैं, उसी से मैं ये बिरयानी बनाना आप लोगों को दिखा रही हूँ। 2-3 उबाल आने के बाद चावल को छान लेंगे। ये मैरिनेट करा हुआ चिकन इसे मैंने 10 मिनट के लिए पका ली थी। अब इसमें हम छना हुआ चावल डाल देंगे जिसे मैंने छान के रखी थी। सारा पानी इसका निकाल ली थी चावल का। अब इसके ऊपर हम फ्राई करी हुई प्याज डाल देंगे। अब ऊपर से फूड कलर डाल देंगे। ये पीला कलर है, फूड कलर। धनिया पत्ती और पौधीने की पत्ती डाल देंगे। फॉइल पेपर से कवर कर देंगे। 10 मिनट तेज आंच पर पकने देंगे। फिर 10 मिनट के लिए हम कम आंच पर और पका लेंगे। अब ये देखिए, हमारी मज़ेदार बिरयानी बनके तैयार है। अब इसे हम खोल के देख लेते हैं। अगर इस तरीके से बिरयानी बनाओगे तो बिरयानी बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होंगी। इस तरीके से बनाओगे तो ना आपका चावल टूटेगा, ना जलेगा और ना ही चिकन कच्चा रहेगा। सबने मिलकर बिरयानी खाए और सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आई।